आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोल्हापूर येथील दसरा चौकात लिंगायत समाजाचा येलगार. लिंगायत समाजाला वेगळ्या समाजाची मान्यता द्या केली मागणी. लिंगायत समाज बांधवांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आज कोल्हापुरातील दसरा चौक गाठलंय. कोल्हापूर जिल्ह्यात ग्रामीण आणि शहरी भागातून खूप मोठ्या प्रमाणातून लिंगायत बांधव दसरा चौकात दाखल झाले आहेत. लिंगायत बांधवांच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी वेगवेगळे मान्यवर आणि नेतेही दाखल झाले आहेत. मुक्ती महम्मद, फारुख शेख, महेंद्रपाल सिंग, अमित सिंग बलपट, मौलाना अब्दुल फारुक शेख, हरपाल सिंग काश्मीरी, हाफिज जावेद शेख, रणजित सिंह दिगडो, अकबर मुल्ला, कुलदीप सिंग पोगवाळ, कर्मसिंग भुईया, परगर सिंग मुख, नवदीप सिंग, गुरुजर सिंग आदी उपस्थित आहेत. विशेष म्हणजे पोलीस प्रशासनाने मोठा बंदोबस्तही ठेवला आहे. शिवाय कमालीची शिस्तही येथे दिसून येत आहे. स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. 75 फूट भव्य व्यासपीठ उभं करण्यात आलंय. पार्किंगची सोय मोठी आहे. चार धाराओं का जो धर्म है, जिस तरह जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, उन सभी धर्मों को जो मान्यता है राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मान्यता है, लेकिन लिंगायत धर्म का मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है. इस देश में ब्रिटिशों ने राज किया, तब 1871 से 1931 तक इस देश में जो पहली बार जनगणना हुई, उस जनगणना में लिंगायत धर्म को स्वतंत्र मान्यता उन्होंने दी थी. इस देश का आज़ादी के बाद वो मान्यता रद्द कर दी गई है. हम लोग फिर से वो मान्यता लेने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं. इस देश में 7 कोटी लिंगायत है. उन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्र में जो उन लोगों को जो हक अधिकार मिलनी चाहिए संविधान का, वो नहीं मिल रहा है. वो लेने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. ये किसी धर्म का विरोध में नहीं है, किसी जाति का विरोध में नहीं है, अथवा ये किसी के खिलाफ नहीं है. ये हमारा अस्तित्व का लड़ा है, हमारा स्वतंत्र पहचान का ये आंदोलन है. उस आंदोलन में पूरे भारत देश में, पूरे दक्षिण भारत में लाखों करोड़ों लोग मान्यता दी है. हमारा धर्म स्वतंत्र है. हम सिर्फ अब कानूनी तरफ से सरकार से हम ये मान्यता लेना चाहते. आज आपण पाहिलं, वेगवेगळ्या प्रदेशातून येथे मान्यवर नेते लिंगायत बांधव उपस्थित झाले आहेत. महानकारी न्यूजसाठी कोल्हापूरहून कॅमेरामन कृष्णनाथ कांबळेसह प्रतिनिधी बरकतभाई पन्हाळकर. अमृतसर और सिख धर्म को बहुत फख्र है, मान है कि बाबा जी ने आज इतने बड़े इकट्ठ में इधर हमको बुलाया है. और जैसे सिख धर्म अलहदा है, वैसे ही ये धर्म लिंगायत धर्म ये अलहदा है. इनके रिवाज, रीति वगैरह सब कुछ जो 12वीं सदी में इसको संगठन किया था, उस टाइम पर जो जात पात है, मनुस्मृति है, उसको ख़त्म कर दिया था. और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला है उनको बराबर का समान आदमी के साथ दिया गया, जैसे सिख ने दिया है. सो जो सेंसस मर्दमशुमारी पहले अंग्रेज टाइम में हुई थी, तो लिंगायत को अलहदा मर्दमशुमारी में गिना जाता था. पर बाद में जब आज़ादी हुई है इंडिया को, तब से इनको अलहदा धर्म नहीं माना जाता. तो हम इनके पर्चे के ऊपर दस्तखत किए हैं कि इनको कोई माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए और ये अलहदा धर्म है. ये 12वीं सदी में ये संगठन हुआ था और इनकी पार्लियामेंट भी थी. 770 मेंबर थे पार्लियामेंट के, उसमें बीबीएम भी थी, आदमी भी थे. तो ये बहुत पुराना धर्म है. पर 1947 में जब राज अंग्रेज़ों का चला गया, जो सिखों का अनंत मैरिज एक्ट है 1909 में, जो
पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ने बनाया था वो भी रद्द कर दिया। इंडिया की कोशिश, ब्राह्मणवाद की कोशिश है कि सबको हम हिंदुत्व में शामिल कर लें और जो अलग अलग धर्म हैं उनको समाप्त कर दें। ये हिंदुत्व की, ब्राह्मणवाद की शुरू से इनकी तमन्ना रही है। जैसे बुद्ध धर्म को शंकराचार्य जी ने तलवार के साथ सारे इंडिया, जहाँ उसका जन्म हुआ, अब वो सिर्फ बर्मा में, सिलोन में, इंडोनेशिया में, जापान में, चीन में मिलेगा, पर इंडिया में बहुत कम हो गया। ऐसे जैन धर्म को भी ये ब्राह्मणवाद समाप्त करना चाहता था, पर जैनिज्म ने समझौता कर लिया हिंदुत्व ब्राह्मणवाद से कि जो हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की मूर्ति है वो जैन टेंपल में, मंदिर में रखी जाएंगी। इस तरह कॉम्प्रोमाइज करके जैन धर्म थोड़ा बहुत बच गया, पर जो अपना धर्म है इसके लिए बाबा जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे उधर भी आए थे, कोरेगांव भी आए थे।